महिला शिक्षा मित्र द्वारा सोशल मीडिया पर जारी सुसाइड लेटर को लेकर सोमवार को बीएसए कार्यालय पर हंगामे भरा माहौल रहा। लेटर में आरोपित नगर शिक्षा अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर शिक्षा मित्र ने प्रदर्शन किया। वहीं पूरे प्रकरण में बीएसए अमिता सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में है, नगर शिक्षा अधिकारी को बुलाया गया, मामले को त्वरित गति से निस्तारित किया जाएगा। रविवार को सोशल साइट पर वायरल हुआ था लेटर। सहादतगंज द्वितीय में कार्यरत शिक्षा मित्र आराधना द्वारा सोशल साइट पर एक लेटर वायरल किया गया। इस लेटर में उसने मौत होने पर जिम्मेदार नगर शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता व प्रधान अध्यापक अनंत गुप्ता को बताया, जिसके बाद सोमवार को शिक्षा मित्र बीएसए कार्यालय पर पहुँच गए। शिक्षा मित्र ने प्रधान अध्यापक व नगर शिक्षा अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। बीएसए कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मित्र आराधना ने प्रधान अध्यापक व नगर शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। शिक्षा मित्र ने बताया कि उसका वेतन प्रधान अध्यापक आनंद गुप्ता द्वारा उपस्थिति रजिस्टर फाड़ दिए जाने के कारण नगर शिक्षा अधिकारी ने रोक दिया था, जिसमें थाना कैंट में मूल विद्यालय भेजे जाने पर समझौता हुआ। एक महीने बाद पुनः उसी विद्यालय पर भेजे जाने का लेटर आ गया, जहां जाने से इनकार करने पर मान के पुनः नगर शिक्षा अधिकारी ने अवरुद्ध कर दिया। वेतन न मिलने के अवसाद में आकर उसने सुसाइड की कोशिश की। वहीं शिक्षा मित्र ने दिया धरना। शिक्षा मित्रों ने मामले को लेकर बीएसए कार्यालय के सामने धरना दिया। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय मंत्री अवनीश सिंह ने ऐलान किया कि जब तक शिक्षा मित्रों का शोषण करने वाले अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा, शिक्षा मित्र बीएसए कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। महिला है शिक्षा मित्र है हमारी, उसने कई प्रकार के जो है आरोप हमारे बीएसए पे लगाए हैं, नगर शिक्षा अधिकारी पे लगाए हैं, और कुछ अप्लीकेशन उन्होंने हाथ में ली हुई थी। मैंने मांगा थी तो उन्होंने कहा कि मैडम हम अभी इकट्ठा करके शाम तक देंगे या फिर हम आपको बाद में देंगे। लेकिन संज्ञान में आया हुआ एबीएसए को उन्हें बुलाया हुआ है, तत्काल क्या पूरा मामला है, जैसे भी अगर कुछ आता है मैं से कोई भी समस्या हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, जो भी समस्या हो मैं तत्काल उसे त्वरित गति से जो है उसे निस्तारित करूंगी, कोई भी चीज़ हो उसमें। आरोप उनका कि जो आनंद गुप्ता कोई उनके साथ में है, वो रजिस्टर फाड़ दिए थे, उसके बाद उनके साथ जो कुर्सी बैठे थे, इस तरह का कुछ नहीं। अगर इस तरह का उन्होंने व्यवहार किया है तो ये अत्यंत ही दुखदायी है, और इस पर भी मैं एक्शन लूंगी और मतलब कार्रवाई मैं करूंगी, जरूर से जरूर करूंगी मैं, क्योंकि ये बात उसने भी मुझे बताई है, तो मौके तरीके से मुझे बताई है, और कार्रवाई करूंगी मैं। अभी तुरंत एबीएसए को बुला रही हूँ, क्या मामला है पूरे मामले को निपटारे, अभी शाम को ही मैं कोशिश करूंगी पूरा मामला निपट जाए हमारा। और मेरा मानदेय श्री संजय गुप्ता ने अवरुद्ध कर दिया है, जिसका कारण ये है कि आनंद गुप्ता ने मेरा रजिस्टर फाड़ दिया, उपस्थिति रजिस्टर मेरा फाड़ दिया था। उसकी सूचना श्रीमती अमिता सिंह को थी, दिया था मैंने, अवगत कराया था, और संजय गुप्ता को कराया था, और थाना कैंट में भी, और क्या बोलते हैं जिलाधिकारी महोदय के यहाँ भी दिया था मैंने, महोदय के यहाँ, जो कि वहाँ पे थाना कैंट में मेरा समझौता हुआ, इस बेस पे हुआ कि आपको आपके मूल विद्यालय में कर दिया जाएगा। मैंने अपने नगर शिक्षा अधिकारी का और यूआरसी जितने गए थे उनका मान सम्मान रखते हुए मैंने कहा ठीक है सर, मुझे मेरे मूल विद्यालय में ही भेजा जाए। सर ने कहा ठीक है आप वहाँ पे जाइए, इसी पे सुलह समझौता हो गया। उसके बाद दूसरे दिन लेटर आया, आप जाके तत्काल प्रभाव से आप जाके प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करें। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद मैं लेटर रिसीव करके मैं उस विद्यालय में चली गई, ज्वाइन कर लिया। ठीक उसी के एक महीना नहीं बीतता है, फिर 28 तारीख को लेटर आ जाता है, आप पुनः जाइए उसको निरस्त करके, उस लेटर को आप आनंद गुप्ता के साथ शिक्षण कार्य करिए। मैंने कहा कि सर मैं वहाँ पे शिक्षण कार्य करने नहीं जाऊँगी, वो व्यक्ति अनुसूचित जात होने के कारण मुझे बहुत ही प्रताड़ित करता है, वो गंगा जल लेके आते हैं डेली, अपनी कुर्सी धुलते हैं सर, डेली कुर्सी धुल के तब बैठते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब मेरे साथ बच्चों के साथ में ऐसा करते हैं, बच्चों की कॉपी जल्दी नहीं छूते हैं वो चेक करने के लिए, एमडीएम तक नहीं बनवाते, उसकी सूचना दी जाती है, उस पर कोई प्रकरण नहीं, सिर्फ संजय गुप्ता करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेटर पे लेटर, डेट बाय डेट लेटर मेरे पास है श्री संजय गुप्ता का कि आप वहाँ पे जाइए। लास्ट में ये हुआ कि आप जो है अगर नहीं जाएंगी तो आपका मानदेय अवरुद्ध कर दिया जाएगा। इन्होंने कर दिया दिनांक 19 तारीख में, और मुझे दस्तखत भी, हस्ताक्षर भी। यहाँ पे अभी आप किस लिए आई थी, क्या बात हुई आपकी? यही सब बातों के लिए मैं आई हूँ, और मैं अवसाद में आके अपना सुसाइड नोट अपने संगठन को वायरल कर दिया था दूरस्थ बीटीसी पे, आज समय योजित पे, क्योंकि संडे के दिन मेरे हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बहुत दिक्कत महसूस होने लगी थी, मेरी
मुझे मतलब सांस लेने प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जैसे लग रहा था इस सब टेंशन से और सांस से मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे दो बच्चे हैं, मेरा मानदेय से ही मेरा भरण पोषण मेरे बच्चों का होता है और अगर वही रुक गया है, मुझे दस्तखत नहीं करने दिया जा रहा है, मेरा मैसेज नहीं जा रहा है और मेरे मानदेय बिल पर दस्तखत नहीं कोई कर रहा है। इस अवसाद में आकर मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और इस चीज़ को मैंने वायरल कर दिया। इसलिए वायरल किया कि मुझे कुछ हो जाता और मुझे कुछ होने के बाद ये बड़ी हो जाते, इसलिए मैंने वायरल कर दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे इस बात की गवाही दे देंगे। और उसमें 5 व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आनंद गुप्ता और संजय गुप्ता, और 3 व्यक्ति ने मुझे और भी प्रताड़ना दी है। कोई भी अधिकारी आता है तो उनको सूचना दी जाती है कि ये बहुत कमजोर महिला है, इसके तो पति है नहीं, ये अकेली है, इसको परेशान करो, इससे पैसे लो। इस तरह से तीनों का नाम गोपनीय रखा गया है और भविष्य में कभी ऐसी चीज की जरूरत पड़ी तो तीनों व्यक्ति का नाम मैं सीधे लिखूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा अनुराधा